बेटा आज चैप्टर जो है हम लोग फोर करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ज्योमेट्री आज है चैप्टर फोर, जो आपका है ट्रायंगल, इसकी कंस्ट्रक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको ट्रायंगल का एक वीडियो दिया था जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं ये आपको बताया गया था। तो आज हम उसी ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, त्रिभुज क्या होता है आपको पता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में तीन वर्टिक्स होते हैं, तीन आपके एंगल होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं, ठीक है। यानी कि आपके तीन जो होते हैं कोण होते हैं, भुजाएं भी तीन होती हैं, ठीक है, और उसके कॉर्नर जो होते हैं वर्टिक्स वो भी तीन होते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। और त्रिभुज में एक बात और होती है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा या किसी एक भुजा जो है दोनों भुजाओं के योगों से छोटी होती है, ठीक है। बड़ी भुजा तो बराबर होगी, इस तरह का होता है कि एक भुजा छोटी होगी, जब वर्ग करेंगे तो भुजाओं को तो हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो त्रिभुज की ट्रायंगल के बारे में होती है, ठीक है। देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट है वो है 4 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए। आपसे कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर भुजा, कंस्ट्रक्शन फर्स्ट में 4 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है या बनाइए, बात की है रचना कीजिए। क्लियर बेटा बात बच्चे, आप लोगों के भी सेम यही कंस्ट्रक्शन है। जहां पे दोनों चार्ट एक दूसरे कट करेंगे वहां पे पॉइंट लिखेंगे।
इसके बाद क्या करना है, कंपास सी पे रखना है, सी को केंद्र मानना है और दूसरा चाप लगाना है। जहां पे दूसरा चाप गहरे वाले चाप को कट कर रहा हो वहां पे पॉइंट आपको मिलेगा ए। कौन सा पॉइंट मिलेगा? ए पॉइंट। ठीक है, फिर हमें ए को बी से मिलाना है और ए को सी से मिलाना है। इस तरह से आपको इसकी दूसरा भी 4 सेंटीमीटर इसकी भी लंबाई होगी। ए से बी तक की डिस्टेंस 4 होगी और ए से सी तक की डिस्टेंस भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। और इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से इसकी आपको रचना भी लिखनी है। रचना किस तरह से लिखेंगे? ड्रॉ लाइन बी सी, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, लेनी सर्कल में बी सी रेखा 4 सेंटीमीटर की खींचा, बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया तथा सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की ही दूरी लेकर दूसरा चाप लगाया जो पहले वाले चाप को बिंदु ए पर काटा। ठीक है, ये बिंदु ए मिला, ए को बी सी मिलाया, बी को सी सी मिलाया। इस प्रकार हमारे अभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ए बी सी की रचना हो। ठीक है, तो बेटा आप इस तरह से आपको इसकी रचना भी लिखनी है और सेम इसी तरह से मैं आपको होमवर्क के लिए दो कंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। ठीक है, जो कि आपका होमवर्क होगा और आपको दो करके इसे दिखाना होगा। चलिए नोट करिए, कंस्ट्रक्शन फर्स्ट है आपकी एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका बेस आपको दिया है 2.5 सेंटीमीटर।